Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक बैंकिंग में। हाल ही में आरबीआई ने ग्रेड बी की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 322 वैकेंसीज रिलीज हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की। तो देखिए, जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था वो आया था आपका सेप्टेम्बर 2019 में, उसके बाद जनवरी 2021 में आया ये आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इस बार जो वैकेंसी काउंट है वो है आपका टोटल 322, और 2019 में जो आपका टोटल वैकेंसी काउंट था वो था आपका 199। यानी इस बार जो वैकेंसी काउंट है वो आपका पिछले बार की कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, इसमें तीन तरह की वैकेंसीज होती हैं, बोले कि तीन तरह की पोस्ट होती है। एक तो आपकी जनरल होती है, दूसरी आपकी होती है DEPR, और तीसरी आपकी होती है DSIM। तो हम इन तीनों की 2019 की जो कट ऑफ थी वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। सबसे पहले हम जनरल की कट ऑफ जानते हैं। तो देखिए, जनरल में जो फेज वन का एग्जाम होता है उसमें कट ऑफ कितनी थी, 200 नंबर का एग्जाम होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 122 कट ऑफ थी, EWS की 122 कट ऑफ थी, OBC कैटेगरी की 115.50 कट ऑफ थी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी की 108 थी कट ऑफ फेज वन की। फिर हम जानते हैं फेज टू की। तो फेज टू में देखिए आपके तीन पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तीनों पेपर जो है वो आपके 100 यानी 100-100 नंबर के होते हैं। टोटल आपका देखिए तीनों पेपर अगर मिला दें हम तो 300 नंबर का आपका फेज टू होता है। और इसमें देखिए आपकी कट ऑफ कितनी रही थी, तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 193.25, EWS कैटेगरी कट ऑफ थी 193.25, OBC कट ऑफ थी 188, SC कैटेगरी कट ऑफ थी 172.25, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी कट ऑफ थी 172.25। उसके बाद हम बात करते हैं फेज टू एग्जाम प्लस इंटरव्यू की जोड़ के कट ऑफ, यानी जिसे हम फाइनल कट ऑफ भी बोलते हैं, वो कितनी रही थी जनरल की। फेज टू आपका 300 नंबर का था, फिर उसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड हो गया, यानी 350 में से आपकी लास्ट जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, वो कितनी रही थी जनरल में। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 238.25, EWS की कट ऑफ थी 197, OBC की कट ऑफ थी 215.50, SC कैटेगरी कट ऑफ थी 206.50, ST कैटेगरी कट ऑफ थी 194 और PWD कैटेगरी कट ऑफ थी 215.75। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी, 350 में से ये कट ऑफ आपकी रही थी। इसमें आपके फेज टू के 300 नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर कट ऑफ बनी थी। अब हम जानते हैं, देखिए जो आपका DEPR था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। तो DEPR में जो आपका पेपर वन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 52.67, EWS की कट ऑफ थी 52.67, OBC कट ऑफ थी 47.67, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी कट ऑफ थी 45.67। उसके बाद देखिए आपका पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री की मिलाकर कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री तीनों को मिलाकर यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी थी वो हम आपको एक बार बताते हैं। तो देखिए, जो आपका पेपर टू और पेपर थ्री होता है वो आपका एक साथ होता है, 100-100 नंबर का आपका होता है पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर टू और पेपर थ्री है जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये जो आपकी दूसरी कट ऑफ आती है पेपर टू और पेपर थ्री के एग्जाम के बाद, उसमें आपके पेपर वन के, पेपर टू के और पेपर थ्री के तीनों के मार्क्स जुड़े होते हैं, यानी 300 नंबर में से ही बनती है। तो इसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 182.84, EWS की कट ऑफ थी 182.84, OBC की कट ऑफ थी 173.67, SC कैटेगरी कट ऑफ थी 161.84, ST कैटेगरी कट ऑफ थी 169.50 और PWD कैटेगरी कट ऑफ थी 182.84। उसके बाद देखिए अब क्या है, आपका जो फाइनल कट ऑफ आती है DEPR में, उसमें आपके पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री प्लस इंटरव्यू सभी के मार्क्स जुड़कर आते हैं। टोटल 350 में से कट ऑफ बनती है। इसमें कितनी कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 229.17, EWS कैटेगरी कट ऑफ थी 204.17, OBC कैटेगरी कट ऑफ थी 203.17, SC कैटेगरी कट ऑफ थी 195.67 और ST कैटेगरी कट ऑफ थी 189.34 कट ऑफ थी यहां पर ST कैटेगरी की। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं DSIM कैटेगरी की। तो DSIM कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका DEPR की तरह सेम फॉर्मूला रहता है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में देखिए यहां पर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी कट ऑफ थी 38.33
और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कट ऑफ थी 31.33। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीएसआईएम में पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री की कट ऑफ कितनी थी, यानी 300 में से कट ऑफ कितनी गई थी, वो आपकी थी देखिए 160 थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की 160 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी 142.33, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कट ऑफ थी 139। उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी थी डीएसआईएम में, फाइनल कट ऑफ में आपका पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री तीनों इंक्लूड होते हैं, 350 में से आपकी कट ऑफ बनती है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 212, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 188.33, ओबीसी कट ऑफ थी 196.17, एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 186.5। तो ये थे आरबीआई की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी 2019 की कट ऑफ हमने यहाँ पर डिस्कस करी, तीनों कैटेगरी डीपीआर, डीएसआईएम और जनरल की। टोटल 322 वैकेंसी निकली हुई हैं इस बार जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, और 2019 में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था इसकी कट ऑफ हमने डिस्कस करी है, उसमें टोटल 199 वैकेंसी थी। तो देखिए जो कट ऑफ है आपकी, वो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और आपका वैकेंसी काउंट क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करें, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपके अलग अलग एग्जाम्स की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसकी जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए उसकी वीडियोज मिलते हैं और आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट अर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्टबुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।